गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम क्लास टू को सब्जेक्ट साइंस में लेसन वन का डे टू में आवर ग्रीन फ्रेंड्स, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग ने आवर ग्रीन फ्रेंड्स में सबसे पहले ट्री हर्सर क्लाइंबर क्रीपर के बारे में जानकारी लेना है. उसमें हम लोग डे वन को ट्री हर्सर पढ़ चुके, तो ट्री में देखा कि कौन कौन आते हैं. मैंगो ट्री, बनियान ट्री, सर्स में रोज रोज और हिबिस्कस. उसके बाद सर्स हर्स में क्राश. उसके बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे क्लाइंबर. आज हमको पढ़ना है क्लाइंबर्स क्रीपर्स लाइफ ऑफ इन प्लांट्स. तो देखेंगे कि क्लाइंबर्स किसे कहेंगे. दे हैव थीन एंड वीक स्टेम्स एंड दे हैव थीन एंड वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. तो हम जो है क्लाइंबर उसे कहेंगे जो कि पतला और कमज़ोर तना है, और वह जो है अपने से खड़ा रह सकता है. दे नीड सपोर्ट टू ग्रो एंड स्टैंड अपराइट. उसे जो है सपोर्ट की आवश्यकता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. और इसीलिए हम इसे क्लाइंबर्स कहेंगे. तो इसमें एग्जांपल में देखें कि ग्रेप वाइन मनी प्लांट. इसमें जो है ग्रेप वाइन मनी प्लांट ये जो है बिना सपोर्ट का रह ही नहीं सकता है. अब तो क्लाइंबर्स के बारे में हम लोग ने देखा कि दे हैव थीन एंड वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. तो वे जो है पतला और कमज़ोर तना होता है, वे जो है सीधा खड़ा नहीं रह सकते. दे नीड सपोर्ट टू ग्रो. उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है और स्टैंड अपराइट. तो उसे खड़ा रखने के लिए सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. इसीलिए इसे हम क्लाइंबर्स कहेंगे. एग्जाम्पल भी हम पढ़ चुके हैं. तो एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रेप वाइन मनी प्लांट. अब आगे चर्चा करेंगे क्रीपर्स. क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट ऑल्सो हैव वीक प्लांट्स. ये जो है कमज़ोर पौधा है, जबकि इसके बहुत ही कमज़ोर पौधा होता है, बहुत ही कमज़ोर पतला, और इसका तना भी बहुत ही पतला होता है. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. यह क्या करता है, भूमि पे ही अपना पूरा बिछ जाता है. एग्जाम्पल में देखेंगे पंपकिन है, बोटल गार्ड है, तो ये सब जो है क्रीपर्स में आते हैं. तो अब हम जो है क्लाइंबर्स क्रीपर्स को पढ़ लिए और देखेंगे कि लाइफ इन प्लांट्स, पौधे का क्या जीवन काल है. तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. तो पौधा जो है सजीव प्राणी है. दे आर बॉर्न ग्रो एंड डाई. वे उनका जो है हम पौधे को उगाते हैं, वे बढ़ते हैं और फिर जीवन काल खत्म होने पर वे मर भी जाते हैं. दे ग्रो ब्रेथ एंड मेक दे आर ऑन फूड. वे जो है सांस लेते हैं, वे बढ़ते हैं और अपना भोजन खुद से बनाते हैं. तो लिप्स ऑफ ए प्लांट मेक फूड ऑनली ड्यूरिंग द डे एज सनलाइट इज नीड फॉर इट. अब हम देखते हैं कि पत्तियां जो है पौधे से कैसे अपना भोजन लेती है. तो मोस्ट ट्रीज एंड शर्ब्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मैनी ईयर्स व्हाइल प्लांट्स लाइक पी एंड राइस लिव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स. हम जो देखते हैं कि वृक्ष का जो जीवन काल है, वृक्ष का जीवन काल बहुत लंबे समय तक होता है, जबकि उसी में देखते हैं कि प्लांट्स लाइक पी मटर का पौधा, ये जो है बहुत कम ही समय में ये ख़त्म हो जाता है. क्या कितना इसका जीवन काल होता है, ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, एक महीना या कुछ दिनों तक. तो इसलिए जीवन का हर ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स. प्लांट्स बियर फ्रूट्स फ्लावर्स एंड लीव्स. क्या देखते हैं कि हरे पत्ते जो हैं कैसे पौधे से भोजन लेते हैं और प्लांट से हम लोग उपयोग में लाते हैं. बियर क्या कहते हैं, उसके फ्रूट सीड लीव्स खाने का कार्य करते हैं. तो आज हम लोगों ने चर्चा किया लेसन वन में कि आवर ग्रीन फ्रेंड्स चैप्टर में कि पहले ट्री हर्ब सर्व को पढ़े, फिर दूसरे दिन में क्लाइंबर्स क्रीपर्स. इसके बारे में जो सिनॉप्सिस है
हम देख लेते हैं कि क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, लाइफ इन प्लांट्स, ये सारी चीजों को जानकारी लिए। तो क्लाइंबर्स किसे कहेंगे, क्रीपर्स कहेंगे। तो आज का HW है लेसन 2 कंप्लीट फेयर कॉपी, और एक पौधे का चित्र बनाकर उसमें हम दर्शाएंगे कि ट्री का एक छोटा सा भाग हो, फिर उसमें दर्शाएंगे हर्ब, सर्व, क्लाइंबर, क्रीपर, छोटा छोटा बनाएंगे अपने माता पिता से हेल्प करें।